हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। जानिए जन्म कथा, पूजा फल और स्तुति मंत्र। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों में मां शक्ति के नौ रूपों की पूजा की जाती है और मां दुर्गा के नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कह भी सकते हैं ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब जे हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम कशीर्ण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को देखकर उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी आपने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से उठकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है और इस दिन माता के इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय मां ब्रह्मचारिणी।